अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो हम लोग पहुंच गए हैं शिनोक मॉल के अंदर। मेरा आज रोड टेस्ट था और मैं फेल हो गया। हसदे चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कभी कोई तकलीफ नहीं होती, उसका मतलब ये होता कि इन्हें तकलीफों नाल डील करना होता। लेकिन अच्छा है कि जो है एक्सपीरियंस के लिए बहुत अच्छा है मेरे। इस चीज़ ने मोटिवेट किया आपके, आप लोगों को मैं थोड़ा सा जो है गाइड कर सकूँ कि प्रोसेस क्या होता है और कौन से मेंटरी स्टेप्स हैं आपको जो है फॉलो करने हैं ताकि आप जो है पास हो सकें। लेकिन सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आपको ये बताऊँगी जो है कि इसका प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले जो है आपको रजिस्ट्रेशन करवानी होती है किसी भी रजिस्ट्री में जाके। मेरी शॉर्ट्स अगर आपने देखी हैं तो कुछ शॉर्ट्स मैंने ये जिक्र किया कि जो रजिस्ट्रीज हैं उनमें सारे काम हो जाते हैं। तो अपनी रजिस्ट्री में जाके पहले क्लास 7 का टेस्ट देना है, वो थ्योरी टेस्ट होता है। उसमें 30 क्वेश्चन होते हैं जिसमें 25 क्वेश्चंस में के आंसर सही देने होते हैं और फिर उसके बाद आपको क्लास 7 का लाइसेंस मिल जाता है। लेकिन रोड टेस्ट के लिए आपके पास कम से कम जो है एक्सपीरियंस जो है 2-3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब मेरे पास 10 साल का था लेकिन एक्सपीरियंस में आपको एग्जैक्टली बताऊँ कितने साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए कि आप जो है रोड टेस्ट दे सकें। क्योंकि कुछ कंडीशन यहाँ पर हैं कि अगर आप पहली में आपने कभी गाड़ी चलाई नहीं है और आपने क्लास 7 के टेस्ट दिए तो उसमें तकरीबन 2 साल लग जाते हैं आपको आपका लाइसेंस जो है मिलते। ओके, तो रजिस्ट्री हो गई। रजिस्ट्री की वेबसाइट में आप गए, आपने जो है ना वहाँ पर बुकिंग डेट सेलेक्ट की। बुकिंग डेट सेलेक्ट करने के बाद आपने जो है वहाँ पर पेमेंट की। जो पेमेंट है वो तकरीबन 178-181 डॉलर्स है। और उसके बाद फिर ये पहला स्टेप है आपका। दूसरी चीज़ ये दूसरा स्टेप ये आ जाएगा फिर आपके पास गाड़ी का चक्कर। गाड़ी जो है हर बंदे के पास नहीं होती, या तो आपको अपनी दोस्त से बारो करनी पड़ती या फिर जो है आप यहाँ पर फॉर एग्जांपल जैसे मेरे केस में मेरे पास गाड़ी नहीं थी तो मैं कैलगरी आया। कैलगरी में मैंने यहाँ पर एक ड्राइविंग स्कूल को अप्रोच किया। ड्राइविंग स्कूल को अप्रोच करने के बाद जो ड्राइविंग स्कूल जो इंस्ट्रक्टर था उसने मुझे 2 घंटे का लेसन दिया। जो 2 घंटे का लेसन था वो तकरीबन 110 डॉलर का पड़ा। तो 2 घंटे का लेसन लिया और फिर उन्होंने मुझे गाड़ी भी दे दी अपनी। तो जो गाड़ी थी वो तकरीबन उस वो मुझे 85 डॉलर्स की पड़ी। तो कुल खर्चा तकरीबन 178 ये हो गया। 110 + 110 जो है 2 घंटे का ड्राइविंग लेसन हो गया और उसके बाद आपका 85 डॉलर जो है आपकी कार रेंटल हो गई। तो लेके उसके बाद फिर मैं चला गया चेक इन होने के लिए रजिस्ट्री में। चेक इन हुआ, टेस्ट स्टार्ट हुआ। तो कुछ स्टेप्स जो है मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जिसमें जो है जो ऑटोमेटिक फेल होते हैं और जिनमें मैंने जो है एक गलती की, ठीक है। उनमें ये है कि ओवर स्पीडिंग और जो सी जगह पे जो है ना एक स्पीड लिमिट लिखी हुई है उसमें जो एक जो या नो आई एम वी आर हैविंग इट या नो प्रॉब्लम 5 मिनट्स आई विल बी आउट। थैंक यू। तो मॉल भी बंद होने लगे अभी, तो उससे पहले मैं आपको जल्दी से एक रीकैप बता दूँ क्या है। तो लेन चेंज में मेरी गलती हुई, मैं गलत लेन में गाड़ी चला रहा था, ठीक है। लेन का मतलब ये होता है कि जो दो सेपरेशन होती है, एक दो लाइनें हैं, ठीक है। आप एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं और आप जो है ना ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से, ट्रैफिक रुके होने की वजह से आप उसी लेन में घुसाई जा रहे हो क्योंकि आपको पता नहीं कि दूसरी लेन भी है। तो मुझे पता नहीं था, तो जो टेस्ट ले रहा था उसने मुझे बोला कि भाई नहीं, आपको गलत लेन में, आपको जो है दूसरी लेन में टर्न करना। एक ही गलती हुई मेरी बड़ी। दूसरी गलती ये हुई मेरी कि 50 mph स्पीड थी जिसमें मैं 50 को तजावज़ करके 60-61 पे जा रहा था। तो ये बिग नो नो है। अगर 60 आप 50 आपकी जो रिकमेंडेड स्पीड है, जिस स्पीड को आपने जो इन्होंने रेकमेंड की हुई है, जो बोर्ड लगे हुए हैं कि भाई जहाँ पर 50 की है वहाँ पर 50 का चलाना है, वहाँ पर फिर स्पीड लिमिट 50 है तो 50 ही चलानी है। 51 होगी कोई मसला नहीं, 48 होगी कोई मसला नहीं है। उसके बाद आपके स्कूल प्लेग्राउंड आ जाते हैं। यहाँ पर प्लेग्राउंड का चक्कर जो है ना ज़रा बहुत सेंसिटिव है क्योंकि बच्चे खेलते हैं। तो वहाँ पर जो है 30 स्पीड थी लिखी और मैं 40 पे जा रहा था, तो ये बिग नो नो है। तो इसकी वजह से वो ऑटोमेटिक फेल है और मुझे उन्होंने ये ऑटोमेटिक फेल इन पॉइंट्स में मैं ऑटोमेटिकली फेल हो गया था। लेकिन उसके अलावा जो उनसे दूसरे पॉइंट्स थे उसमें मेरे शोल्डर चेक्स थे। शोल्डर चेक्स बहुत ज़रूरी होते हैं। शोल्डर चेक जो उनसे होते हैं उनकी बेसिक डेफिनेशन ये होती है, उससे बोलते हैं कि अपने अपने ब्लाइंड स्पॉट को देखना। अब आपके जो है ना फॉर एग्जांपल क्या शोल्डर चेक का से मुराद क्या है। सबसे पहले जो आपके रियर विंडो है जो ग्लास है उसमें से आपको पीछे दिखता है। आपकी जो राइट जो से आपकी राइट मिरर है उससे आप उससे आप राइट में पीछे देख सकते हैं। जो लेफ्ट जो आपकी ड्राइविंग साइड है उनसे आपकी मिरर है, लेफ्ट मिरर जो है उधर आप लेफ्ट साइड पे देखते हैं। लेकिन कभी कभार गाड़ियाँ आपकी ब्लाइंड स्पॉट से आ रही होती है जो आपको इन मिरर्स तीनों मिरर्स में नज़र नहीं आ रही, तो आपको शोल्डर चेक करना पड़ता है। इसको बोलते हैं शोल्डर चेक, ठीक है। तो ये लेफ्ट शोल्डर राइट शोल्डर चेक हो गया और ये लेफ्ट शोल्डर चेक हो गया। अब आपने ये दूसरी चीज़ है जब आप लेन चेंज करते हैं, लेन चेंज करने के लिए फॉर एग्जाम्पल राइट साइड पर लेन चेंज कर रहे हैं, सबसे पहले आपने सिग्नल ऑन करना है राइट का, फिर आपने रियर विंडो में देखना है, फिर आपने जो है अपनी लेफ्ट विंडो में देखने कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, फिर आपने शोल्डर चेक करना है,
और उसके बाद फिर आपने लेन चेंज कर ली, ठीक है, स्लो नहीं करनी गाड़ी, उसी स्पीड के साथ आपने लेन चेंज करनी है और आपने कंटिन्यूस एवरी 8 to 12 सेकेंड, 8 से 12 सेकेंड आपने जो है आपने रियर विंडो, रियर मिरर, राइट मिरर और लेफ्ट मिरर आपने चेक करनी हर 8 सेकेंड के बाद। हम लोग अपने मुल्कों में ये चीज़ें चेक नहीं करते, यहाँ पर ये चेक होती हैं और ये आपने अपने अगर आप टेस्ट देना चाहें तो इनकी प्रैक्टिस करें, शोल्डर चेक की प्रैक्टिस करें, रिवर्स जो है तो रिवर्स लगाते हुए आपको 360 चेक करना, टेस्ट जो सा जो आपका ले रहा है उसने आपसे बोला कि भाई पैरेलल पार्किंग आओ, पैरेलल पार्किंग ये होती है कि एक गाड़ी आ गई है तो उससे पीछे आपने गाड़ी लगानी है, तो आपने सबसे पहले जो है इशारा देना, जैसे ही वो आपको बोलेगा आपने राइट साइड, फॉर एग्जांपल आप राइट पे पैरेलल पार्किंग लगा रहे हैं तो आपने राइट साइड का सिग्नल देकर 360 डिग्री चेक करना। 360 का मतलब ये होता है कि आपने ब्लाइंड स्पॉट चेक करनी है दोनों तरफ, ठीक है, हाथ इस तरह रखना है आपने पीछे गाड़ी के, जो दूसरी सीट है जो पैसेंजर सीट है उधर आपने हाथ रख के इस तरह पीछे चेक करना है, उसके बाद फिर आपने इस तरह चेक करना है राइट एंड लेफ्ट, और उसके बाद आपने अपने मिरर्स चेक करने हैं, फिर अपनी गाड़ी अपनी जो है ना गाड़ी का जो बम्पर है वो दूसरी गाड़ी के बम्पर से इस तरह अंदाज़ा लगाना है पैरेलल पार्किंग का कि बम्पर दोनों बम्पर ज्वाइन हो जाएं एक साथ यानी दिखे, और उसके बाद हमने पूरा लेफ्ट साइड राइट साइड पे गाड़ी काट के 45 डिग्री का एंगल बनाना है या फिर 11 बजे का एंगल बनाना है कि 11 कैसे बजते हैं, जब आपको लगे कि भाई हाँ अब घड़ी के हिसाब से 11 बजने वाली डायरेक्शन पे मेरी गाड़ी आ गई है तो आपने फिर उस गाड़ी को सीधा पीछे लेके आना, आहिस्ता करके स्टीयरिंग सीधा करके आहिस्ता करके पीछे लेके आएंगे और उसके बाद फिर फुल कट करेंगे और थोड़ा सा गाड़ी आपकी खुद ब खुद जो है सीधा आ जाएगी, और अपने अपने लेफ्ट मिरर राइट मिरर पे ध्यान देना है कि वो कर्ब से टच नहीं कर रही हो, लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया अगर आप गाड़ी जो सी है गाड़ी का फासला दोनों गाड़ियों के दरमियान जो है पैरेलल पार्किंग लगाते हुए तकरीबन एक 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 बंदे के गुजरने की जगह होगी तो आप आराम से लगा सकते हैं, तो फिर आपने सीधा थोड़ा सा बैकअप करके फ्रंट करनी गाड़ी थोड़ी सी आगे करके अलाइन करनी है आप अगली गाड़ी के साथ और ये आपकी पैरेलल पार्किंग होगी, और जो स्टीयरिंग है वो आपने 3-9 और 2-10 के हिसाब से पकड़ना होता है। 3-9 का मतलब ये है कि जैसे घड़ी में 3 और 9 बजते हैं, राइट हैंड आपका जो है वो जैसे 3 बजते हैं घड़ी पे उस तरह होना चाहिए, उस तरह आपने स्टीयरिंग को पकड़ा होना चाहिए उसी अलाइनमेंट के साथ, और जो 9 है वो आपने 9 के अलाइनमेंट जैसे घड़ी में 9 बजते हैं उसके अलाइनमेंट के साथ आपने पकड़ना होगा स्टीयरिंग, और 2-10 इसी तरह आपने 2 बजते हैं और जैसे 10 बजते हैं आपने उस तरह अपने हाथ पकड़ने होंगे, और आपने हमेशा और जैसे भी आप ड्राइविंग कर रहे होंगे आपको इधर 3-10, 3-9 या फिर 2-10 के हिसाब से अपने पकड़ने हैं स्टीयरिंग को, और ड्यूरिंग थ्रू आउट द टेस्ट आपने जो है ये पकड़ने, वरना इसमें आपके अच्छे खासे पॉइंट कट सकते हैं, हमारा वो देसी स्टाइल नहीं है एक हाथ से मार रहे हैं और एक हाथ से जो है ना वो राइट मोड़ रहे हैं लेफ्ट मोड़ रहे हैं वो वाला हिसाब किताब नहीं करना।